हेलो स्टूडेंट मैं हूं आपका एजुकेटर चंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है हैप्पी बायोलॉजी क्लास में स्टूडेंट आज का जो वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला अर्थात पाइला का तंत्रिका तंत्र ठीक है स्टूडेंट ये इस जो आप लोग का वीडियो है वो क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए ठीक है स्टूडेंट और आप लोग का जो सब्जेक्ट है वो जूलॉजी है तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइला का तंत्रिका तंत्र ठीक इस है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के चांस हैं ठीक है तो क्वेश्चन आएगा इसमें आपको पता तो दस नंबर में आएगा याद रखिएगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो देखिए पाइला पाइला क्या है एक एनिमल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं है ना ऐसे आप लोग देखेंगे घुंगा जिसका लोग बोलते हो है ना ए सी कौन लोग बोलते हैं स्नेल भी बोलते हैं इंग्लिश में ठीक है आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस जीव का नाम क्या आप लोग बोलते हैं इसको ऐसे पाइला बोलते हैं स्नेल बोलते हैं घुघा बोलते हैं ठीक है अच्छा लोग पढ़ क्या रहे हैं तंत्रिका तंत्र ठीक है स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है लोग देख पा रहे होंगे हम लोग किसका तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं लो लो हम लोग का तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तो हम लोग हम सभी जीवों की बॉडी में मुख्य रूप से क्या होता है तंत्रिका तंत्र होता है जो सूचनाओं को क्या करता है आदान प्रदान करता है या आदान प्रदान करने में क्या करता है सहायता करता है लोग जानते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र होता है इस प्रकार से संरचना अपने बचपन में छठवी सातवीं दसवीं बारहवीं में पढ़े होंगे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं है ना तो एक तंत्रिका तंत्र है आप लोग जानते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र होता है दो प्रकार का होता है एक होता है आप लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है आप आप लोग लोग का सेंट्रल मतलब जो सेंटर में पर देख रहे पा रहे होंगे हल्का पिंक टाइप से आप लोग कलर दिख रहा है जो ब्रेन से देखकर आप लोग रीढ़ की हड्डी में आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में है केंद्र में है ठीक है बाकी जो इधर किनारे किनारे जो आप लोग का क्या है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम उसका हम लोग क्या बोलते हैं पेरीफेरल पेरीफेरल का मतलब होता है परिधीय नर्वस सिस्टम चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो ठीक है तो स्टूडेंट इससे पहले आप चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि प्रकार का हेल्पफुल वीडियो आप लोग पहले मैं लाते रहता हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ठीक है स्टूडेंट देखिए दस नंबर का आप लोग का अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करना पड़ेगा रूपरे का बनाना पड़ेगा सीन बनाना पड़ेगा ठीक है पहले आप लोग क्या लिखना पड़ेगा उसका आप लोग को इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा है ना पहले दूसरा आप लोग का नर्वस सिस्टम ऑफ पायला जो मेन टॉपिक हम लोग का है ठीक है जो नर्वस सिस्टम होता है पाइला का वो विभिन्न प्रकार के गेंग्लियो से मिलकर बना होता है गैंग्लिया ठीक है लोग देख पा रहे होंगे अब तो गैंग्लिया क्या है भैया अगर आप लोग पूछेंगे गैंग्लिया क्या है है ना तो गैंग्लिया क्या होता है नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट होता है एक भाग होता है ठीक है क्या होता है नर्वस सिस्टम का ही एक भाग है या कलेक्शन ऑफ नर्वस मतलब नर्व का ही एक पार्ट होता है जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे तंत्रिका तंत्र फैले हुए हैं इसी का एक भाग हम लोग क्या बोलते हैं गैंगलिया बोलते हैं ठीक है देखिए जैसे पांच प्रकार के क्या होते हैं गंगलिया पाए जाते हैं ठीक है और इन्हीं से मिलकर होता है क्या आप लोग का पाइला का तंत्री का तंत्र ठीक है देखिए फिर कंक्लूजन फिर रेफरेंस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग क्या करेंगे आप लोग इसका हम लोग वर्णन करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं ठीक है और ये जो आप लोग का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उससे आप लोग नोट्स चाहिए तो क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मैं लिंक डाल दूंगा ठीक है क्या टेलीग्राम का लिंक उसमें अगर आप लोग ज्वाइन जाएं हो जाएंगे तो आप लोग को ये जो नोट्स है आप लोग को मिल जाएगा ठीक है चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक देखिए हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन या परिचय या प्रस्तावना ठीक है देखिए पहला का तंत्रिका तंत्र जो होता है क्या होता है सुविकसित होता है क्या होता है सुविकसित मतलब बहुत ही विकसित होता है

इसको हम क्या बोलते हैं कमर्शल ठीक है होते हैं जैसे जैसे कौन कौन से होते हैं तो आपको मैं बताया था कुछ देर पहले अभी सेरेब्रल गुच्छी का है जिसको भी क्या बोलते हैं सेरेब्रल गैंग्लिया गैंग्लिया का मतलब क्या होता है गुच्छी का होता है ठीक है क्या होता है गुच्छी का देखिए बकल गैंग्लिया गंगलिया गैंग्लिया ठीक है और विश्ल गैंग्लिया और क्या है सुपरा इंटरनल गंगलिया इत्यादि जो क्या करता है सूचनाओं को शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है पहुंचाने का काम करता है ठीक है तो हम लोग का जो तंत्रिका तंत्र है मुख्य रूप से क्या काम करता है जो भी क्या होती है सूचनाएं होती है संवेदना होता है इम्पल्स होता है है ना जैसे हम लोग को चोट लगा तो हम लोग को चोट लगा तो आभास कैसे होगा भाई वो क्या करेगा चोट लगा है उस सूचना को हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगा है ना तो सूचनाओं को क्या करता है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है कौन आप लोग का जो तंत्रिका तंत्र होता है ठीक है पहुंचाना तथा सामंजस्य स्थापित करने में क्या करता है सहायता करता है हम लोग तो ये हम लोग जान चुके हैं जो तंत्रिका तंत्र होता है तो क्या होता है विभिन्न प्रकार के गेंगलिया से मिलकर बना होता है पहली बात तो है ना जिसमें पहुंचाता है तथा सामंजस्य क्या करता है स्थापित करता है कोऑर्डिनेशन करता, करता है इस प्रकार से आप लोग क्या करते हैं कर सकते हैं इसका प्रस्तावना लिख सकते हैं ठीक है चलिए हम आगे चलते हैं अब हम लोग का मेन टॉपिक है नर्वस सिस्टम ऑफ पायला पायला का तंत्र है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए पाला का तंत्रिका तंत्र क्या होता है आप लोग पहले ही बताया था सुविकसित एवं विशिष्ट प्रकार का होता है स्पेशल टाइप का होता है और वेल डेवलप्ड होता है है ना बहुत विकसित होता है इसमें विभिन्न प्रकार की गुच्छिकाएं पाई, पाई जाती है, है? गंगलिया पाई जाती है ठीक है गंगलिया पाई जाती है नर्व तंत्रिका पाई जाती है और सजनी को पाया जाता है सजनी मतलब क्या जोड़ने वाला वो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर जैसे बीच में मान लो एक क्या है कोई बिंदु है और इधर से एक तंत्रिका आ इधर से तो जोड़ने वाले चीज को हम लोग क्या बोलते हैं संयोजनी संयोजन करना जोड़ना ठीक है होते हैं जो निम्नलिखित हैं है तो देखते हैं आप लोग के पांच प्रकार के जो गंगलिया संगलिया बक्ल गंगलियापल गंगलिया विस्टल गंगलिया इंटरनेशनल गंगलिया ठीक है तो ये सभी गंगलिया हम लोग आप डिटेल से पढ़ेंगे चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके तो लोग देख पा रहे हैं ये आप लोग का डायग्राम है, है ना ये जो आप लोग का डायग्राम है इन सिस्टम का है ठीक है तो इसी को हम लोग वर्णन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इस डायग्राम का तो आप लोग डायग्राम लाना कंपलसरी है एग्जाम में तभी आप लोग को नंबर मिलेगा अच्छा स्टूडेंट चलिए देखते हैं पहला पढ़ने वाले हैं इसका हम लोग का पहला है क्या हैल गंगलिया इसी के लोग क्या बोलते हैं सेरेब्रल गुच्छिकाएं है। गुच्छिकाएं मतलब गंगलिया होता है इंग्लिश में ठीक है तो देखिए ये एक जोड़ी कितनी एक होती है एक जोड़ी होती है स्पष्ट होती है चपटी होती है और क्या होती है त्रिभुजाकार गुच्छिका होती है तो हम लोग को याद रखना है कि जो सेरेब्रल गंगलिया होता है वो एक जोड़ी होती है तो चलिए डायग्राम में देखते हैं हम इरा हम लोग क्या देख रहे हैं सेरेब्रल गैंग्लिया लोग देख पा रहे यहाँ पर टॉप में सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर मैं राइट किया हूँ वहाँ पर आप देखिएगा एक नंबर में लिख दिया चित्र में आप लोग को ताकि पढ़ने में आसानी हो समझने में आसानी हो ठीक है लिखा राइट सेवरल सेवर तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं गंगलिया बोलते हैं और यहाँ लोग क्या बोलते हैं आप लोग क्या है इधर राइट गंगलिया है और इधर क्या इधर क्या है आप लोग का राइट है इधर क्या आप लोग का लेफ्ट है ठीक है तो मैं आप लोग को बताया था अभी जस्ट पहले थ्योरी में कुछ देर पहले कि ये क्या होती है आप लोग की एक जोड़ी पाई जाती है ना देखो एक जोड़ी जोड़ी बड़ी होती है स्पष्ट होती है चटकी होती है तो त्रिभुजाकार होती है तो आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट एक सेकेंड इसको थोड़ी रेच करते हैं ताकि आप लोगों समझ में यहाँ पर आ जाए अच्छे से कुछ भी लिखा हुआ ना रहे और जहाँ लिखूंगा वहां पर आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे ठीक है देखिए तो ये क्या होती है त्रिभुजाकार होती है कैसे भाई त्रिभुजाकार देखो ऐसे 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 अब आपको बन रहा है त्रिभुजाकार तो क्या होती है एक जोड़ी होती है इधर भी ऐसी होती है आप लोग की आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप लोग का ऐसे 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 है ना ऐसा त्रिभुजाकार संरचना होती है आप लोग की ठीक है और क्या होती है एक जोड़ी देखो ये एक हो गया और ये दो हो गया तो दो है मतलब एक जोड़ी है एक पेयर में है ठीक है बड़ी होती है चपटी होती है त्रिभुजाकार होती है तो ये आप को समझ में आया होगा स्टूडेंट है ना चलो आगे देखते हैं जो एक एक मुख पुंज बक्ल मास के दोनों ओर होता, दो, होता है क्या बोल रहा है बक्ल मास ये बक्ल मास क्या है या मुखपुंज क्या है भाई है ना तो मुखपुंज या बक्ल मास क्या होता है दोनों ओर डोर्सल और पर स्थित होता है कहा मतलब हो, समझने का प्रयास करते हैं ठीक है ना बकल मास होगा इसके क्या होगा डोरसल मतलब डोरसल मतलब पृष्ठ तो देखो इसके ऊपर में पृष्ठ भाग पर है ना ऊपर मतलब पृष्ठ पिक, पिक वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं पृष्ठ बोलते हैं ठीक है पृष्ठ भाग पर डोरसल हो गया लेकर मतलब किनारे पासर हुआ जैसे कि हम लोग का मान के चलो मुख पूंज है तो इसके इधर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इधर का हम लोग क्या बोलते है? बोलते हैं हैं मतलब आप लोग का पासर हो बोलते हैं मतलब हम लोग का जो हाथ है मान के चलो हम लोग का सिर क्या है मुख पुंज है मुंह से किनारे हम लोग का हाथ लेफ्ट और राइट में है तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं पासर हो कहते हैं ठीक है स्टूडेंट आप लोग ये सब जानते होंगे बेसिक है ज्यादा मैं समझाने का प्रयास नहीं करूंगा तो आगे चलते हैं ठीक है समझ में आ गया आ गया कि पृष्ठ मतलब पीछे मतलब पीछे होगा ठीक है और

जो की मुख्य कुंज के धरी है तो स्थित होता है द्वारा तो जुड़ी होती है तो ये जुड़ा जुड़ा किस्सा होता है हम क्या लिखेंगे ये किससे जुड़ी होती है तो बोला है हैल कॉमी कहाँ से जुड़ा होता है से डायग्राम में देखते हैं क्या जुड़ा है हाँ या नहीं है ना थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर क्या बताया जा रहा है ठीक है देखिए मैं आप लोग को बोला कि किससे जुड़ा हुआ है आप लोग के सरेबरल कमिशर से जुड़ा है तो ये आप लोग का तो हो गया भाई ये आप लोगों का क्या हो गया गैंग्लिया हो गया पहला है ना लेकिन जुड़ा किससे है देखो यहाँ पर यहाँ पर लिखा है बीच में ये जो आप लोग का है ना ये पट्टी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कहते हैं क्या कहते है? हैं कहते हैं ठीक है इससे जुड़ा होता है कौन भाई ये आप लोग का गैंग्लिया क्लियर हुआ होगा आप लोग को चलिए हम आगे देखते हैं अब है ना प्रत्येक गैंग्लिया गुच्छी का निम्नलिखित संयोजनी द्वारा जुड़ा होता है जितने भी जो आप लोगों के गुच्छिका होते हैं या जो गैंग्लिया होते हैं ना वो किससे जुड़ा होता है आप लोग का सरोजनी द्वारा सर्वजनी मतलब क्या होता है आप लोग अभी आप लोग को मैं दिखाया था यहाँ पर देखिए एक सेकेंड कनेक्ट ये यह देखो यहाँ पर लिखा है आप लोग का सरबरल पेडियल कनेक्टिव कनेक्टिव मतलब क्या होता है आप लोग का संयोजनी होता है इंग्लिश में है ना कनेक्शन होता है संयोजन संयोजन तो जोड़ना ठीक है तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आप लोग का कि जितने भी सर्वरल क्या होते हैं गुच्छिका होते हैं ना वो संयोजनी के द्वारा क्या होता है मुख्य गुच्छिकाओं मतलब बक्तर गेंगलियोन और पेडियल गेंग्लियन से जुड़ी होती है किससे जुड़ी होती है बक्कल गंगलियोन और फेडल गंग्लियन चलो डायग्राम में देखते हैं बक्कल गंगलियन और फेडल गंग्लियोन से जुड़ा रहता है ठीक है इसको इरेज करते हैं ठीक है तो आप लोगों को समझ में आएगा ये किससे जुड़े होते हैं बक्कल गंगलियोन और फेडल गंग्लियोन से जुड़े होते हैं जैसे आप देख सकते हैं कहाँ पर है लोग डायग्राम में ये देखो फेडल गंगलियोन लिखा है तो दिख रहा हाईलाइट करके आप को दिखाता हूँ ठीक है देखिए पर लिखा है आप लोग कांगलियोन है ना तो यहाँ से जुड़ा रहता है पेडल गंग्लियों से है ना देखिए राइट पेडल लिखा है यहाँ पर तो यहाँ से जुड़ा होता है कौन जुड़ा होता है भाई ये जो आप लोग का क्या है ऊपर जो गैंग लिया है ना इस प्रकार से नीचे आता है और किससे जुड़ा रहता है आप लोग पेडल गंगलियो से जुड़ा रहता है ठीक है चलिए हम थे थोड़ा सा देखते हैं ये देखो लिखा है यहाँ पर पेडल गंगलियो से जुड़ी रहती है और बक्कल गंगलियो से भी जुड़ी रहती है ठीक है चलिए हम आगे स्लाइड को देखते हैं देखिए निम्नलिखित प्रकार की होती है आप लोग को बताया था कि ये जैसे कि सेरेब्रल सोजनी मतलब कनेक्टिव्स दूसरा आप लोग का सेरेब्रल कनेक्टिव्स और तीसरा क्या है कनेक्टिव्स ये तीन प्रकार के किससे जुड़ा रहता है सहयोजनी से भी आप लोग कुछ देर पहले मैं बताया था यहाँ पर देखिए क्या बताया था मैं कि किससे सोजनी से जुड़ा होता है किससे जुड़ा होता है भाई आप लोग के सवजनी से जुड़ा होता है सोजनी आप लोग को ये देखते हैं यहाँ है, पर मैं बोला था आप लोग को एक सेकंड ये देखिए ये सहयोजनी द्वारा क्या होता है जुड़ा होता है क्या होता है सर्वजनी द्वारा जुड़ा होता है सर्जनी कितने प्रकार के होते हैं भाई आप लोग के तीन प्रकार के होते हैं ठीक है चलिए देखते हैं तीनों प्रकार को ध्यान से देखिए पहला आप लोग क्या है सीब्रो बकलोजनी क्या है बकल मतलब क्या होता है कनेक्टिव होता है है ना चलिए हम देखते हैं कि सरब्रो बक्ल कनेक्टिव डायग्राम में कहा पर पहले इसको हम लोग खोजना पड़ेगा है ना तो आप लोग को समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है तो देखिए पहला क्या आप लोग का देखो आप लोगों पहला लिख भी दिया पेन में लिखा उसको लोग अच्छे से देखिएगा है ना तो यही हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये वाला जो का ऐसे आया है ना ये लकीर बीच में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ठीक है समझने का प्रयास करते हैं देखो ये एक जोड़ी सयोजनी होती है दिखाया था दोनों साइड में था लेफ्ट और राइट में ये कितनी होती है एक जोड़ी सहयोजनी होती है कनेक्टिव होती है ना ये ये एक जोड़ी सोजनी तंत्रिकाएं है जो क्या बोल रहा है सरब्रो गियन किससे ंगलियन जो पहला ठीक है? को बक्तल से जोड़ती है तो कहां से कौन किसको जोड़ रहा रहा है? ठीक है? आवाज आ है हम लोग कहाँ पर थे थोड़ा सॉरी माफी चाहूंगा तो हम लोग पढ़ रहे थे आप लोग का ए, है, लो, लो का, ए, है लो, लो बक्कल से ठीक है स्टूडेंट देखिए हम लोग यहाँ पर एक पढ़े थे हम लोग कि एक जोड़ी संयोजनी ठीक है एक जोड़ी होती है जो क्या होती से जोड, से है सेरेब्रल गैंग्लिया और बक्कल गैंग्लिया से जुड़ से जोड़ती है ठीक है जो किसको जोड़ती है भाई सेरेब्रल गैंग्लिया को ठीक है किससे जोड़ती है जो सेरेब्रल गैंग्लिया को बक्कल गैंग्लिया से जोड़ती है है ना तो चलिए हम डायग्राम में देखते हैं कि सेरेब्रल गैंग्लिया को बक्कल गैंग्लिया से कैसे जोड़ती है देखिए ये आप लोग का क्या है सेरेब्रल गैंग्लिया है ठीक है और आप लोग का बक्कल गैंग्लिया कहाँ पर है भाई ये देखो हम लोग का पहला जो पढ़ रहे हैं वो क्या है आप लोग का ये वाला है सेरेब्रल हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना इधर देखिए राइट में किया हूँ और ये वाला हम लोग का है ये एक सेकंड मैं फिर से आप लोग करके समझाता हूँ क्योंकि यही मेन है हम लोग को समझ में नहीं आएगा दिक्कत हो जाएगा है ना तो हम लोग जो पढ़ते हैं आप लोग को समझ में आना चाहिए देखिए हम लोग क्या बोले हम लोग पढ़ रहे हैं किसको इसको ये जो आप लोग को दिख रहा है ये कितना है एक इधर हो गया और लेफ्ट में राइट में एक जोड़ी तो हो गया क्लियर है थ्योरी से एक जोड़ी पाया जाता है बीच में है ना जो क्या करता है सरबरल गंगलिया तो ये आप लोग क्या है यहाँ पर श्रेबल गंगलिया है है ना इसको क्या करता है कहालिया से जोड़ता है बक्कल से ठीक है तो ये आप लोग कहाँ पर बक्कल है भाई मान लो ये आप लोग बक्कल गंगलिया ठीक है आप लोग देखो बक्कल तो यहीं तो पर आप लोग का बक्कल गंगलिया होगा तो ऐसे करके क्या करता है ये जोड़ने का काम करता है ठीक है क्या करता है आप लोग का जोड़ने का काम करता है यही लिखा हुआ है यहाँ पर ठीक है जो क्या करता है देखो सरबरल गंगलिया को क्या करता है बक्कल गंगलिया से क्या करता है जोड़ती है ठीक है हम आगे देखेंगे दूसरा आप लोग का सरबरो क्टिव ठीक है देखो ये क्या होता है एक जोड़ी होती है भी एक जोड़ी सभी लोग एक, एक जोड़ी होते हैं ना एक जोड़ी होती है जो बक्कल मास के पासरों में सेरेब्रल गुच्छिकाओं को पुरल गुच्छिकाओं से जोड़ती है किसो किससे जोड़ती है सर्ब्रल गैंग्लिया होता है ना उसको पुलुर गैंग्लिया से जोड़ती है चलिए लोग देखते हैं कि जो सेरेब्रो पुरल कनेक्टिवस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं डायग्राम में है ना तो इसको हम लोग पहले क्लीन करते हैं तब आप लोग को समझ में आएगा है ना फर्स्ट टाइम लगेगा देखिए हो गया ना देखिए देखिये पढ़ रहे थे क्या हम लोग अभी दूसरा पढ़ रहे थे आप लोग का ये पढ़ रहे थे सेरेब्रो कनेक्टिव्स हम लोग यही पढ़ रहे थे अभी है ना सॉरी ये तीसरा है आप लोग का दूसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई इसके नीचे वाला हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ देखो लिखा हुआ भी है है ना यहाँ में लिख दिया देखो ये दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है सेरेब्रो कनेक्टिव्स तो ये ये वाला रीजन है ये जो आप लोग किनारा है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं इधर लेफ्ट और राइट है ना इधर का हम लोग क्या बोलते हैं भाई सरेब्रो फुरल कनेक्टिव कहते हैं ठीक है एक जोड़ी होती है जो क्या करता है आप लोग का किसको कहाँ से जोड़ता है भाई थोड़ा फेवरी को देखो आप लोग ध्यान से है ना ये क्या करता है सरेब्रल गंग्लिया को फ्लूरल गैंगलिया से जोड़ता है चलो हम लोग देखते हैं भाई स्रेब्र गंगलिया कहाँ पर है तो ये आप लोग जानते हैं हम लोग पहला ही पढ़ते काल गंग्लिया क्या है सरेब्रल गंग्लिया है और फ्लूरल गंगलिया कहाँ पर है भाई आप लोग का नीचे आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग का क्या है ये देखना लिखा है फ्लुरल गैंगलिया तो नीचे वाला क्या आप लोग का यहाँ पर फ्लोर गैंगलिया है तो ऊपर में सेरेब्रल सेरेब्रल क्या है है ऊपर में और नीचे में क्या है फ्लूरल गैंग लिया है, है ना और बीच में क्या है सेरेब्रो कनेक्टिव्स तो मतलब जोड़ने का, का काम कर कनेक्शन का काम कर रहा है दोनों को क्या करता है ऊपर को क्या कर रहा है नीचे से जोड़ रहा है मतलब बीच में तो कनेक्शन का काम करेगा जोड़ने का काम तो यही तो लिखा हुआ है आप लोग का है ना आशा करता आप लोग को समझ में आया होगा ठीक है आगे देखते हैं चलिए जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि टाइम आप लोग का बहुत आप लोगों के पास कम है एक एग्जाम है दो तीन दिन बाद ठीक है देखो तीसरा क्या है आप लोग का सेब्रोपिडल कनेक्टिव दो देख चुके हैं तीसरा क्या आप लोग ये देखो ये क्या होता है एक जोड़ी होती है ये भी एक जोड़ी तीनों आप लोगों का क्या होता है, क्या होता है? जोड़ी लोग याद रखिए आंख बंद करके लिख सकते हैं कि ये तीनों क्या होती, क्या होती है जोड़ी होती है ना जो क्या करता है देखो मुख पुंज के पासरों में सेब्रल गुच्छिकाओं को पिगल गेंगलियन से जोड़ती है किसको को किससे जोड़ती है पिगल गेंगलियन से चलिए हम डायग्राम में देखते हैं भाई इसको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा है ना क्योंकि बार बार इसको क्लीन करना ही पड़ेगा देखिए हो गया तुरंत आगे देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं तीसरा ये आप लोग का है तीसरा यहाँ पर है भाई कहाँ पर ये देखो यहाँ पे लिखा है तीसरा पॉइंट मैं पेन से लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा आप लोग दीजिएगाब्रोपिडल कनेक्टिव्स है ना ये वाला है ये थोड़ा अंदर में है ये अंदर वाला का हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग का कनेक्टिव्स और ये बाहर वाला का हम लोग क्या बोलते थे कनेक्टिव्स बोलते हैं फ्लूरल था ये पिगल है पिगल अंदर में और प्लुरल क्या है बाहर में है ना तो यदि क्या होती है आप लोग देखो अंदर वाले हम क्या बोलते हैं सेब्रोपिडल कनेक्टिव्स एक जोड़ी होती है ठीक है जो किसको किससे जोड़ती है कहां से जोड़ रही है भाई आप लोग का यहाँ पिगल कनेक्टिव से जोड़ती है यहाँ से जोड़ती है पिगल गैंग्लियन से जोड़ती है. है यह कनेक्टिव से जोड़ती है अरे क्या थ्योरी आप लोग देखिए यहाँ पर थोड़ा सा या तो याद करना पड़ेगा भाई आप लोग को देखो पिगल गैंग्लियन से जोड़ती है ना चलिए हम लोग देखते हैं पिगल गैंग्लियन पर नीचे में है क्या देखो लिखा हुआ है जी यहाँ पर है ना क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोग का देखो क्या करती है ये सेरेब्रल गेंग्लियो को कहा से जोड़ती है पिगल गैंग्लियन से देखो यहाँ पर लिखा है पिगल गैंग्लियोनिक मास है ना तो यहाँ से जोड़ती है ये भी यहाँ से जोड़ता है ये भी दोनों जोड़ता है चाहे वो कनेक्टिव से हो चाहे कनेक्टिव से दोनों क्या करता है को ही से जोड़ती है, याद रखिएगा बाकी तो कुछ नहीं है ना तो आई होप क्लियर हुआ होगा चलिए हम आगे देखते हैं कंटिन्यू करते हैं है ना आगे देखिए अब इसके बाद ये स्लाइड हो गया आप लोग का तीन प्रकार हम लोग देख लिया हम देखने वाले हैं इसके बाद अगला ए वाला ठीक है देखिए दूसरा क्या है आप लोग का बक्कल ठीक है क्या बक्कल गंगलिया ठीक है बक्कल गुच्छिका ये एक जोड़ी त्रिकुणात्मक त्रिकोणात्मक मतलब तीना तीन भुजा वाला ऐसा वाला है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं त्रिकोण त्रिभुज टाइप से तो एक जोड़ी त्रिकोणात्मक गुच्छिकाएं हैं चलो पहले देखते हैं कि बक्कल गंगलिया है कहाँ पर और कैसा दिखाई दे रहा है हम लोग क्या देख रहे हैं भाई बक्कल गंगलिया है ना सॉरी इसको देख लेते हैं ये देखो बक्कल गंगलिया आप लोग का दूसरा नंबर में कहां पर है भाई ये देखो ये देखो यहाँ पर आप लोग का कुछ इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इधर भी आप लोग का ये है ना तो यहाँ पर आप लोग को हम लोग क्या बोलते हैं हाँको? बक्कल गंग बोलते हैं देखो यहाँ पर लिखा है पॉइंट नंबर टू है ना और दूसरा ही पढ़ रहे हैं देखिए आप लोग का बक्कल लोग डायग्राम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा है ना डायग्राम को आप लोग बार बार रिपीट करेंगे चार बार पांच बार दस बार बनाएंगे है ना आपको पॉइंट छह होना चाहिए जयग्राम सभी नंबर मिलेगा ठीक है तो बक्कल गंगलिया क्या होती है एक जोड़ी होती है ठीक है देखिए त्रिभुजाकार होती है देखो एक जोड़ी होती है त्रिग गुच्छिकाएं हैं जो मुख्य बक्कल मासो फेगस के स्थान पर इधर उधर पृष्ठ हम लोग देख नहीं सकते में कहीं पर नहीं लिखा है का उसो फेगस, है ना ये सब नहीं लिखा है तो हम लोग याद कर लेंगे कि बक्कल मास और उसो फेगस से जयग्राम में हर कुछ तो संभव नहीं है एक्सप्लेन करना है ना जायग्राम में हर कुछ दिया नहीं रहता है कुछ कुछ को अपने से हम लोग को याद करना पड़ता है बक्कल मास कहीं पर चलो नहीं लिखा है है ना तो हम लोग को बस ये याद रखना है कि दूसरा होता है वो क्या होता है एक जोड़ी होता है त्रिकोणात्मक होता है मतलब त्रिभुजाकार होता है और क्या होता है उसो फेगस से और बकल मास से क्या होता है स्थित होता है के मतलब पृष्ठ समझते हो हैं स्थित होता है आंशिक मतलब रूप मतलब से, से पेशियों में धंसी होती है अभी तो याद आपको रखना पड़ेगा अभी मसल्स में धंसा रहता है मसल्स के अंदर होता है ना दोनों गुच्छा गंगलियाओं आपस में बक्कल को के द्वारा जुड़ी होती है किसी द्वारा जुड़ी होती है बस ये हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में कहीं पर लिखा होगा बक्कल का है ना चलिए डायग्राम में देखते हैं कि बक्ल का मिसर कहाँ पर है ठीक है तो ये देखिए आप लोग हाँ मिल गया आप लोग को है ना यहाँ से यहाँ पे थोड़ा इसको क्लीन करते हैं तब तो आप लोग को समझ में आएगा हम लोग देख क्या रहे हैं भाई अभी हम लोग देख रहे हैं आप लोगों का दूसरा क्या है गंगलिया बकल गंगलिया है ना तो यहाँ का हम लोग क्या बोलते हैं बकल गंगलिया क्या बोलते हैं बकल गंगलिया तो किससे जुड़ा होता है भाई आप लोग का ये जुड़ा रहता है आप लोग का देखो ये जो बीच में आप ऐसे दिख रहा है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं देखो ऊपर की ओर क्या है बकल को मिसर से जुड़ा हुआ किससे जुड़ा हुआ है दोनों जो लेफ्ट और राइट में है बकल गंगलिया किससे जुड़ा है बकल कॉमिसर से जुड़ा है ठीक है तो ये आप लोग को याद रखना है किससे जुड़ा होता है बक्ल कॉमीसर से जुड़ा होता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग ये हो गया दूसरा पॉइंट कम कम है है ना जल्दी हो जाएगा देखिए तीसरा क्या आप लोग का तीन का बच्चा है तीसरा चौथा पांचवा है ना पुरो पिजल गेंग्लिया देखो यह एक जोड़ी गुच्छी का समूह है ठीक है कितना एक जोड़ी चलो देखते हैं कि है कहाँ पर है ना डायग्राम में कहा पर है पुरो पिजल गेंगलिया देखो यहाँ पर लिखा मैं लिख दिया हूँ आप लोग ताकि आसानी हो खोजने में आसानी हो है ना देखो लिखा लेफ्ट पुरो पिजल गोनिक मास यही आप लोग का है तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं भाई ंगलिया बोलते हैं ये आप लोग क्या है है ठीक है चलो थे जो प्यूरल तथा पिगल गुच्छिकाओं के समेकन से बनता है किससे बनता है भाई किससे बनता है है से बना है और पिगल से इसका नाम ही देखो तो किससे इसका नाम में ही छिपा है इसका आंसर कि किससे बना होगा भाई प्लुरो नाम है इसका है और पिगल नाम है तो दोनों से जुड़ के क्या बना है आप लोग का काल गेंगलिया बना है है ना चलिए आगे देखते हैं दोनों ओर के पिगल गुच्छिका ठीक है दोनों ओर के पिडल गुच्छिका वापस है मुख्य बकल मास के अधर तल पर मतलब उसके वेंट्रल, मतलब बैठ रीजन पर से जाती हुई एक मोटी और चौड़ी तंत्रिका पिगल कॉमिशर द्वारा क्या होती है जुड़े रहते हैं है ना इससे जुड़े रहते हैं फिडल से जुड़े रहते हैं चलिए कुछ देर पहले है।, है ना पिगल कॉमिशर इसमें कहीं पर है ये रहा आप लोग का पेडल कमिशन है ना तो किससे जुड़ा है भाई ये तो दोनों एक बार हम लोग इसको क्लीन करते हैं तब आपको समझ में आएगा है ना पहले हम लोग ये देखते हैं थोड़ा सा बस देखो तुरंत समझ में आएगा आप लोग को है ना तो ये देखिए ये आप लोग क्या है भाई हम लोग पढ़ रहे हैं फिगल गेंग्लिया पढ़ रहे हैं तो ये आप लोग का लेफ्ट और राइट में है और किससे जुड़ा होगा हुआ से जुड़ा है भाई यहां से जुड़ा हुआ है ना यहाँ वाले रीजन से तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं फेडल कमिशर बोलते हैं तो किससे जुड़ा है जो बक्ल सॉरी फिडल जो लिया है वो किससे जुड़ा है आप लोग का पेडल कमिशर से जुड़ा होता है ठीक है आगे देखिए अब द्वारा जुड़े रहते हैं ठीक है इसी प्रकार दोनों भी एक पतली द्वारा जुड़े रहते हैं है? पतली है न? क्या हो भैया दे दीजिए सर लोग को न? तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं किससे जुड़ा रहता है इंफ्रा इंटेस्टाइनल नरो के द्वारा जुड़ा रहता है ठीक है तो देखिए आप लोग ये कितनी कैसी होती है पतली होती है चलिए डायग्राम में देखते हैं कि यह इंफ्रा इंटरशनल नर्व से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, है ना तो डायग्राम को देखते हैं ध्यान से तो देखिए ये तो हम लोग का क्या हो गया फेडरल गेंगल हो गया तो ये देखो एक तो इससे जुड़ा है किससे जुड़ा है मोटा वाला से इसको हम लोग क्या बोलते हैं फेडरल कमिसर है ना और ये नीचे में एक और पतला ऐसे धागा देखो ऐसे धागा जैसे निकला है ये वाला नीचे वाला ये भी तो जुड़ा है ना भाई इससे इस प्रकार से इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंफ्रा इंटरशनल नर्व बहुत ही जी है अगर डायग्राम हम लोग को याद है ना

चौथा चलिए ठीक है देखिए बिस्ल गुच्छी का है ना क्या है आप लोग का तो देखेंगे बिस्ल गिया बिस्ल ग कहाँ पर स्थित है कहाँ का बिस्ल गिया ठीक है तो थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं जल्दी से है ना सॉरी हम देखिए कहीं पर लिखा है चौथा नंबर आप बिस्ल हाँ, को दिख गया होगा सबसे नीचे में देखिए यहाँ पर ये यह लिखा है आप लोग का चौथा नंबर में ठीक है हम लोग यहाँ को क्या बोलते हैं भाई यहाँ को हम लोग बोलते हैं बिस्ल गिया अब हम लोग पढ़े चलिए पढ़ते हैं समझने का प्रयास करते हैं ठीक है, देखो ये होता क्या है यह दो तर्ककार है ना यह दो तर्ककार मतलब दो त्रिभुजाकार गुच्छिकाओं के समेकन से बनता है चलिए देख लेते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है भाई देखिए एक देखो इधर से आया है लेफ्ट से एक राइट से आया इस प्रकार से आप लोग का बना हुआ होता है भेज दे रहे ठीक है तो देखिए यहाँ पर आप लोग का क्या है दोनों साइड से जुड़ा हुआ है ठीक है आगे देखते हैं थोड़ा सा यह गुच्छी का अंतरंग पुज बिशरल मास में पाचक ग्रंथि के अग्र सिरे पर स्थित होता है है ना बिशरल मास के अग्र सिरे पर बोला अग्र मतलब ऊपर की ओर चलिए डायग्राम में देखते हैं कहीं पर मास है क्या बिशरल मास आप लोग को कहीं पर बिशरल नर्व है ए ना अच्छा बिस्ल नर्व ए है ना मिश्रल नर्व इसके आगे ऊपर की ओर है एक बार थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा क्या हम लोग को यहाँ पर देखिए अब देखिए जल्दी से ए रहा सॉरी ये देखो इसका हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग पढ़ रहे हैं ये देखो बिश्रल लिखा है ना इसके अग्र में ऊपर में है कि नहीं है देखो भाई ये ऊपर में ही तो है ना ये ऊपर में क्या होता है स्थित होता है अग्र सिरे पर क्या होता है स्थित होता है इसमें दो मुख्य तंत्रिकाएं तथा बहुत सी क्या होती है सखाई निकलकर पाचक ग्रंथि मतलब वही पाचन मतलब क्या ब्रिक अंग मतलब की वाले अंग पर हृदय आवरण मतलब पेरिकार्डियम हृदय का जो आवरण होता है क्या बोलते हैं पेरिकार्डियम तथा जनन अंग सेक्स ऑर्गन तक जाती है तो, तो आपको को याद करना पड़ेगा कि कहाँ पर जाती है तो जाती है पाचक ग्रंथि के पास हृदय अंगों के पास के पास और सेक्स ऑर्गन मतलब अंग के पास जाती है ठीक है यह दाई और पुरल का अमात्र हिंदी देखो पुलल गुच्छिका के अवंत्र इसका हम क्या बोलेंगे इन्फ्रा इंटेस्टाइनल बिस्ल को द्वारा बाई और बिश्रल जुड़ा रहता है तो हम लोग बस ये याद रखना है इंग्लिश हम लोग याद रखना यहाँ हम लोग ये याद करना है बस इंटेस्टाइनल क्या है इनफ्राइस चैनल बिस्ल कनेक्टिव और सुप्राइट चैनल गैंगलिया द्वारा जुड़ा रहता है चलिए हम डायग्राम में देखते हैं क्या ऐसा जुड़ा है क्या कहीं पर तो देख पाएंगे देखिए ये आप लोग का इधर ए, एक एक तरफ हम लोग क्या बोलते हैं भाई इसको हम लोग बोलते हैं सुप्राइस नरवा ये हो गया और एक तरफ आप लोगों का क्या था इनफ्राइस चैनल कनेक्टिव अच्छा ये यहाँ पर है थोड़ा जाना पड़ेगा तब तो आप लोगों को समझ में आएगा है ना देखिए ये कहाँ पर है भाई डायग्राम को लोग अच्छे से आप लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे बार बार और बनाएंगे समझने का प्रयास करेंगे देखिए हम पढ़ रहे हैं इसको यहाँ का हम लोग पढ़ रहे हैं बिश्रल गंग्लिया हम लोग पढ़ रहे हैं चौथा नंबर ठीक है तो इसमें इधर कहाँ से इधर को हम लोग क्या बोलते हैं से जुड़ा हुआ है और इधर आप लोग कने, इससे जुड़ा हुआ है भाई ये देखो यहां पर इंफ्राइनस्टाइनल मिश्रल कनेक्टिव इससे जुड़ा हुआ है इसको बता रहा है इधर का हम लोग क्या बोलते हैं मिश्रल कनेक्टिव इधर का ठीक है इंटेस्टाइनल नर्व इससे क्या होता है जुड़ा हुआ होता है विसरल गुच्छिका से कुछ तंत्रिकाएं निकलकर पेरिकाजियम पाचक आमाशय स्टमक आंत इंटेस्टाइन टिनल ऑर्गन और जनन अंग सेक्स ऑर्गन तक जाती है तो ये सभी आप लोग के चौथा नंबर हम लोग लास्ट देखने वाले आप लोग का ये तो अब याद करना पड़ेगा कहा, कहाँ कहाँ जाती है ना याद करे ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अगला देखिए लास्ट आप लोग का सुपरा इंटरशनल गैंगलिया क्या आप लोग का सुप्र इंटरशनल गैंगलिया देखो यह ओर ठीक है ये देखो हम लोग पहले देखते हैं सुपर इंटरशनल गैंगलिया है कहां पर पहले ये हम लोग देख लेते हैं ना चलिए पहले लोकेशन इसका हम लोग देख लेते हैं इसका लोकेशन को पहले ट्रेस करते हैं कि है कहां पर तब हम लोग समझ में आएगा ना पढ़ क्या रहे हैं पांचवा हम लोग पढ़ रहे हैं देखो यहां पर लिखा है पांचवा है ना सुप्राइशन ग यहाँ को हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं ये वाले पोर्सन को पढ़ रहे हैं चलिए अब देखते हैं थ्योरी को है ना देखिए थोड़ा सा बस ओर के फ्लू गंग्लिया से लगभग एक बच्चे चार दूरी पर पीछे ऑस्फ्रेडियम के पास स्थित होता है कहाँ पर स्थित होता है भाई ऑस्फ्रेडियम के पास क्या होता है स्थित होता है चलिए हम देखते हैं कि ऑस्फ्रेडियम कहाँ पर है डायग्राम में है ना ऑस्फ्रेडियम देखो ए लिखा है नर्व तो ये यहाँ पर इसके पीछे की ओर है ना इसके नीचे है मतलब पीछे है है ना यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं यही आप लोग का क्या है ऑस्फ्रेगियम देखो यहाँ पर लिखा है आप लोग का एस्फ्रेगियम लिखा है इसके पीछे की ओर क्या होता है स्थित होता है देखो यह ऊपर की ओर द्वारा अपनी ओर के पूर्व से जुड़ा रहता है किससे द्वारा जुड़ा रहता है चलिए तो जाइगोन्यूरी कहाँ पर है डायग्राम में आप लोग का है ना थोड़ा सा इसका नाम और आप लोग को क्या याद हो जाए डायग्राम अगर याद हो जाए तो उसको देख देख के लिख लेंगे आप लोग है ना समझ के देखिए तो से भी जुड़ा रहता है और, और से भी जुड़ा रहता है क्योंकि क्या बोलते हैं आप लोग का सुपर इंटरशनल पांच पांच होता हाँ था स्टूडेंट क्या था टॉपिक टॉपिक क्या था भैया आप लोग का पाइला का तंत्रिका तंत्र था ठीक है क्या था टॉपिक पाइला का तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला है ना बी एस सी टॉपिक था जियोलॉजी था पेपर फर्स्ट का थे याद रखिएगा पेपर फर्स्ट का टॉपिक है ना जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम में आ सकता है आपका 10 दस नंबर का इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा है ना स्टूडेंट तो कुछ भी आप लोग डॉट लो कमेंट कीजिए मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बताइए ताकि मैं अपलोड करने की कोशिश करूँ है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक तो तो के लिए थैंक यू धन्यवाद जय हिंद